मूवी शुरू होती है तब हमें दिखाया जाता है कि मोल्डोवा नाम का एक यूरोपियन देश है जिसपे रशियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ है और मोल्डोवा की मदद करने के लिए यूएस आर्मी आ जाती है। तो भी यूएस एंड मोल्डोवा की आर्मी दोनों साथ मिलके रशियन आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। ये पूरा देश वॉर जोन में बदल गया है। यूएस आर्मी के पास हाईटेक वेपन्स रहते हैं, जैसे वन ऑफ रहता है उनका हेलमेट कैम। इस कैम के जरिए कोई भी इंटरफेरेंस या साउंड वेव क्लियरली सुनाई या दिखाई दे सकती है और उसकी रिकॉर्डिंग सीधा इनका जो बेस कैंप रहता है वहाँ पे जाती है लाइव। ऐसे ही एक दिन रात को आर्मी ऑपरेशन के दौरान सर्जन डेविस एक बंद रूम में आते हैं जहाँ उन्हें अपने कैंप से कुछ इंटरफेरेंस और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रूम के एग्जैक्टली सामने उन्हें सफेद कलर का कुछ एक अदृश्य साया दिखाई देता है, लेकिन आगे कुछ पता चले उसके पहले ही वो अदृश्य साया इनके नजदीक आता है और सर्जन डेविस उधर ही गुजर जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक ऐसे कई सारे हमले होते हैं जिसमें सिटीजन और आर्मी के लोग दोनों भी मारे जाते हैं। अब हम आते हैं बैक टू यूएस जिसमें हम डॉक्टर मार्क क्लेन को देखते हैं। वो लेजर लाइट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिसको पानी के ऊपर फ्लैश करते ही पानी तुरंत बॉइल या फिर फ्रीज होने लगे। ये अपना एक्सपेरिमेंट वो यूएस आर्मी के सामने दिखाते हैं, लेकिन अब यूएस आर्मी की कुछ और ही मांग थी। उनके अनुसार ये वेपन अब किसी लिविंग थिंग यानी इंसान या किसी और जीव पे टेस्ट करके देखना था उन्हें। ये सुन के डॉक्टर क्लेन थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ये वेपन डिफेंस के लिए बनाए जा रहे हैं, ना कि लोगों की जान लेने के लिए। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर को सीधा मोल्डोवा जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं। वो इमीडिएटली गवर्नमेंट के प्लेन से चले जाते हैं एंड वहाँ पहुँचने के बाद यूएस आर्मी लीडर जनरल ओरलैंडो और CIA एजेंट मिस मैडिसन से मिलते हैं और उसके बाद उन्हें सर्जन डेविस की जो मौत हुई थी उसका वीडियो दिखाया जाता है। ये डरावनी मौत देखने के बाद तो वो भी थोड़े हैरान होते हैं। यहाँ पे सर्जन के शरीर पे कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन कम्प्लीटली फ्रीज हो गए थे। वीडियो देखने के बावजूद डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो मैडिसन उन्हें बताती है कि लोकल लोगों के अनुसार ये अरातारे नाम का एक स्पिरिट है जो वॉर के कारण आया है। एजेंट मैडिसन और जनरल ओरलैंड की ये थ्योरी रहती है कि ये कोई क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी चीज या इंसान को अदृश्य बना सकती है और ये रशियन सोल्जर्स ही है जिन्होंने अदृश्य होने का सूट पहना है। फिर डॉक्टर क्लेन मेडिसिन से पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई सूट पहना हुआ है उन लोगों ने तो लोग अजीब तरीके से कैसे मर रहे हैं। तो मेडिसिन कहती है कि शायद एनिमी सोल्जर ने किसी तरीके का शॉक विक्टिम को दिया है जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक से कम होने के कारण उनकी मौत हुई है। अब ये थ्योरी सुनने के बाद डॉक्टर क्लेन के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि अगर ये एक इंसान ही है तो इसे गोली कैसे नहीं लगी, या फिर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी गरीब देश में कैसे डेवलप हो सकती है। मेडिसिन उन्हें बताती कि इस देश की जो पहली गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड थी, लेकिन बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसा वो प्राइवेट रिसर्च में डाला करती थी। अब डॉक्टर को एक क्लियर इमेज या वीडियो चाहिए था उस चीज का। उसके लिए उन्होंने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी लाया था जो किसी भी विजिबल या इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को क्लियरली कैप्चर कर सकता है। क्लेन खुद ही उस कैमरे को डेल्टा व्हीकल यानी टैंक में माउंट करता है और वो शॉट लेने के लिए खुद वॉर जोन में जाने का फैसला करता है। अगले दिन ब्रीफिंग के दौरान पता चलता है कि पिछले शाम को उटा नाम की इनकी एक आर्मी की टीम एक बिल्डिंग में गई थी और तब से उनके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। ये लोग उनका रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। इस मिशन में खुद डॉक्टर क्लेन और मेडिसिन भी साथ में आएगी और टैंक से वे लोग कैंप की फीड मॉनिटर करेंगे। जब सोल्जर इन सारे फ्लोर पे जाते हैं तब फोर्थ फ्लोर पे उन्हें एक बाथटब के नीचे वैसी ही लाइट मिलती है। जब बाथटब को उठाते हैं तब उसके नीचे दरअसल उटा टीम के सर्जन कॉमस्टॉक छुपे हुए थे। वो बाकी सोल्जर्स को बताता है कि ये टब ही है जिसने मुझे पूरी रात बचाया है उन लोगों से, और उसके टीम के बाकी के सारे सोल्जर ऊपर के फ्लोर पे मरे पड़े हैं। एक रूम में डॉक्टर को वही साया सामने दिखाई देता है और उसको शूट करने के लिए वो सोल्जर को कहता है, लेकिन गोली उस साये के आर पार चली जाती है और वो अदृश्य शक्ति अब इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। लेकिन वो अदृश्य शक्ति सबको मार के जो रस्सी पे सोल्जर्स थे उनको भी मारने आती है। और उसी समय क्लेन टैंक से बाहर आके अपने कैमरे से वो शॉट लेने लगता है, लेकिन इस बड़े से विस्फोट के बावजूद जो भी अदृश्य शक्ति थी वो मरती नहीं है। जो भी बचे कुछ सोल्जर्स थे वो बेचारे टैंक में भागते हुए आते हैं, लेकिन बीच में ही लैंड माइनर्स के कारण पूरे रास्ते पे विस्फोट होने लगते हैं और इनका टैंक पलट जाता है। इसलिए वे लोग एक नजदीकी फैक्ट्री में छुपने का सहारा लेते हैं। उन्हें वहाँ पे गेट के पास लोहे के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वे लोग जल्दी ही एक सेफ स्पॉट ढूंढते हैं एंड वहाँ पे छुपने के लिए जाते हैं। क्लेन अपने कैमरे के थ्रू देखने लगता है और तभी उन्हें जो ये अदृश्य शक्ति है वो दिखाई देती है। नीचे 3 या 4 स्पिरिट हम देखते हैं, लेकिन वो उस लोहे के जो टुकड़े थे उन्हें पार नहीं कर पाते। ये सब कुछ डॉक्टर नोटिस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये है क्या। उसी वक्त उनको उसी फ्लोर पे एक टीवी की आवाज सुनाई देती है और उन्हें वहाँ पे कुछ गन के साथ साथ 2 बच्चे दिखते हैं। हरी नाम की लोकल लड़की
और उसका भाई, और उनको आगे ही एक रूम में ट्रांसमिशन भी मिलता है जिसके थ्रू ये लोग कैंप में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे उनका पूरा दिन वहीं पे ढल जाता है और पूरे रात के लिए वे लोग उधर ही भयानक लोकेशन पे फंस जाते हैं। डॉक्टर को बार बार एक बात खाई जा रही थी कि शायद इन बच्चों में से किसी ने वो लोहे के टुकड़े वहाँ पे डाले थे, यानी इन बच्चों को उस स्पिरिट के वीकनेस के बारे में कुछ तो पता है। तो मेडिसन उनके लोकल लैंग्वेज में उस बच्चे से पूछने लगती है। तो सारी उसे कहती है कि वो जो लोहे के टुकड़े है वो उनके पापा ने वहाँ पे डाले थे ताकि वो हम दोनों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये बैरियर लगाने के वक्त ही उनके ऊपर हमला हुआ और वो गुजर गए हैं। उनका शव उधर ही रखा हुआ था। तो डॉक्टर और मेडिसन सारी के साथ वो शव देखने के लिए जाते हैं। क्लेन को उनके पॉकेट में मसारो नाम के एक जगह का मैप मिलता है। तब सारी कहती है कि ये वही जगह है जब पहली बार अराथ्रेया ने, ये जो स्पिरिट है, उन्होंने किलिंग शुरू की थी, यानी जो भी कुछ है वो यही से शुरू हुआ होगा। दोस्तों इनको फैक्ट्री में लोहे के कई सारे टुकड़े मिलते हैं जिसे डॉक्टर क्लेन के प्लान के अनुसार ये लोग रात भर अलग अलग वेपन्स बनाते हैं, जैसे कि ग्रेनेड के। और यहाँ पे क्लेन भी उसका जो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा था उसको एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अगर ये फोकस में रहे तो पूरा ग्रुप हेलमेट के सिवा भी अराथ्रेया ने उस स्पिरिट को देख पाएगा। पूरे रात भर इस फैक्ट्री के आसपास या फैक्ट्री के अंदर अराथ्रेया आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते उस बैरियर के कारण। मिडनाइट को उनका कॉन्टैक्ट होता है बेस सेंटर से और उन्हें एक लोकेशन पे आने के लिए कहा जाता है जो कि इस फैक्ट्री से हाफ माइल की दूरी पे था। लेकिन दोस्तों वक्त के पहले ही स्पिरिट अंदर आने का कोई तरीका ढूंढता है और एक जगह से सारे अराथ्रेया इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी सारी उनको पीछे का एक रास्ता बताती है। डॉक्टर क्लेन के कैमरे के कारण अब सोल्जर बिना हेलमेट के अपने आंखों से उन स्पिरिट को देख सकते थे। उन्होंने जो भी ग्रेनेड बनाए थे उनके थ्रू वे लोग हमला करते हैं, जिसके कारण स्पिरिट की स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन वो पूरी तरीके से मर नहीं पाते। काफी दिक्कतों के बाद ये लोग उस ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक इनकी रेस्क्यू करने के लिए कोई भी टीम नहीं आई थी, इसलिए वे लोग डर के एक बस में छुप जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पे टैंक आता है। टैंक के लोग जब इतने सारे स्पिरिट को एक साथ देखते हैं तब वो सीधा बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतने बड़े हमले के बावजूद वो सारे स्पिरिट मरते नहीं हैं, इनके पूरे टैंक को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इनका जो टैंक आया था वो भी इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूजलेस था। इसी लड़ाई के दरमियान सारी का जो छोटा भाई था वो भी मारा जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर आता है, लेकिन चॉपर के आसपास इतनी ज्यादा हवा होती है कि अराथ्रेया इनके पास नहीं आ पाते। और तभी क्लेन के पास जो कांच की बॉटल थी जिसमें कई सारे लोहे के टुकड़े थे वो सारी बॉटल्स वो उसी समय तोड़ देता है। हवा के कारण वो सारे टुकड़े अराथ्रेया के शरीर पे चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे फिर तड़पने लगते हैं। और ये मौका देख के सब लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। चॉपर रहता है वो सिविलियंस के बंकर में चला जाता है क्योंकि अराथ्रेया ने इनके बेस कैंप पे भी हमला कर दिया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं शहर के पूरे सिविलियंस भी वहाँ पे थे, यानी पिछले रात को इन्होंने पूरा हमला कर दिया था शहर में। लेकिन तभी वहाँ पहुँचने के बाद क्लेन उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो बताए कि उसके पिता क्या काम करते थे, उन्हें कैसे पता चला कि लोहे से ये अराथ्रेया दूर रहते हैं। और तभी सारी रिवील करती है कि उसके पिता दरअसल सिरेमिक कंटेनर बनाते थे मजाराव इस पावर प्लांट के लिए जहाँ से अराथ्रेया ये स्पिरिट आया है। यानी मसाराव में दरअसल एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था और शायद यही पे कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसके थ्रू ये जो भी क्लोन या जो भी चीज है वो इंसानों के ऊपर हमला कर रही है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जनरल ओरलैंड वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि इनके पास जो हजारों में सोल्जर्स थे वो सारे मारे गए हैं क्योंकि अराथ्रेया एक तरीके से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। तो क्लेन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और दोस्तों तभी इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में क्लेन को क्लिक हो जाता है कि ये चीज क्या है। क्लेन कहता है कि ये जो भी चीज है नेचुरल चीज नहीं है, उसको इंसानों ने ही बनाया है। हमारे एनवायरनमेंट में चार तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। जैसे कि आइसक्रीम टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड में बदल सकता है, ये सारी जो चीजें है या कन्वर्जन है ये नेचुरल है। लेकिन इनके अलावा और एक पांचवा फॉर्म है जो आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी के थ्रू। इस थ्योरी के अनुसार एक ऐसा स्टेट भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सेपरेट एटॉम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273.15 सेल्सियस पे कूल डाउन किया जाता है। अब इस कूलिंग के कारण एटॉम्स अपना इंडिविजुअल नेचुरल जो फॉर्म रहता है वो खो देते हैं और एक सुपर जायंट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका पूरा फॉर्म बदल जाता है और ऐसे ही पांचवा फॉर्म बनता है जो एक वेव की तरह होता है। जब एक पानी की बूंद गैस फॉर्म में बदल जाती है
ऐसे ही कुछ ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन जी ने 1920 में ये थ्योरी को प्रेडिक्ट किया था, जिसे 1924 में सत्येंद्रनाथ जी बोस इन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक और मैथ्स के इक्वेशन के साथ वापस आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनका ये लॉजिक सही है तो ये थ्योरी प्लीज जर्मन लैंग्वेज में पेपर्स पब्लिश किए जाए। जब आइंस्टाइन ने उनका ये इक्वेशन एंड लॉजिक देखा तो वो उनको सही लगा, इसीलिए उन्होंने ये पेपर पे पब्लिश कर दिए। और वैसे ही कुछ समय के बाद की थ्योरी वैलिडेट की गई जो कि सच साबित हुई, इसीलिए इस थ्योरी को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहा जाता है। और इसी तरह दुनिया को ऑब्जेक्ट का एक फिफ्थ फॉर्म भी मिला। 1995 में तीन साइंटिस्ट एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल, कार्ल वीमैन, इन तीन MIT के साइंटिस्ट ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स ये एक्सपेरिमेंट साबित किया था प्रैक्टिकली। और इनके इस अचीवमेंट के लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसी तरह सर सत्येंद्रनाथ बोस के कारण हमें एक फिफ्थ स्टेट मिली थी। अब बैक टू मूवी। इस थ्योरी के अनुसार फिफ्थ फॉर्म से ही अरात्रे यानी इन स्पिरिट को बनाया गया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस फिफ्थ स्टेट में रहता है तब असली लोहा या फिर सिरामिक के जो प्रॉपर्टी है वो इस स्टेट को स्लो डाउन करती है, इसीलिए जब अरात्रे के आसपास लोहे की चीजें आती थी तब वो उस चीज को पार नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके इफेक्ट्स कम हो जाते थे। अरात्रे की जो ये प्रॉपर्टी है वो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ही हासिल होती है और इसी के कारण जब अरात्रे इंसानों को छूते थे तब इंसान फ्रीज होने के कारण गुजर जाते थे। इस स्टेट में ऑब्जेक्ट दीवार के आर पार भी जा सकता है, इसी के कारण अरात्रे दीवार के आर पार भी जा सकते थे। लेकिन अभी भी एक सवाल था कि ये जो भी अरात्रे हैं वो जिंदा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रह सकता है। ये अपनी पूरी थ्योरी डॉक्टर, मेडिसिन एंड बाकी जो भी आर्मी के फोकस से उनके सामने रखता है। और शायद इनका ये एक्सपेरिमेंट इसी पावर प्लांट में चल रहा था। वो उसके कुछ फोटो भी दिखाती है जहाँ पे पिछले 10 सालों में कई सारे चेंजेस किए गए थे और इस प्लांट में बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम भी अरेंज किया गया था। तो इनका शक उसी लोकेशन पे चला जाता है। क्लेन आर्मी के सामने एक और सुझाव रखता है कि जितने भी वेपन्स इन्होंने बेस कैंप से लाए हैं उससे वो प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बना सकता है। प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू जो भी ये एटॉमिक स्टेट है वो टूट जाएगी और इसी के कारण अरात्रे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आगे उनको उस प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान वे लोग बनाते हैं। रात भर ये पूरी आर्मी की टीम और क्लेन एग्जिस्टिंग वेपन में कुछ और मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम के प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाने की कोशिश करता है। प्लान के अनुसार आर्मी जो है वो एक डायवर्जन जानबूझ के अरात्रे जो है उनका ध्यान बटाएगी। तब तक दूसरी जगह पे क्लेन और मेडिसन मेन लैब में जाके उस पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे जिससे ये सारे अरात्रे मर सकते हैं। अगले दिन सुबह ये लोग निकलते हैं और उस पूरे पावर प्लांट पे चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने हथियार टेस्ट नहीं किया था, इसलिए एक ही सोल्जर का प्लेन उतरते हैं और इनका जो रोबोट रहता है वो भी उतरता है। यहाँ पे अरात्रे को जैसे ही हलचल दिखती है तब काफी बड़े तादाद में सामने से वे दौड़ते हुए काफी स्पीड से आने लगते हैं और उस रोबोट के कारण सारे आर्मी उन्हें आते हुए देख सकती है। जैसे ही वो लोग एक लोकेशन पे आते हैं सर्जेंट सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्हें शूट करता है और दोस्तों एक बड़ा सा विस्फोट होता है एनर्जी का जिसमें कई सारे अरात्रे मारे जाते हैं, यानी जो भी प्लाज्मिक डिस्चार्ज उन्होंने बनाया था वो सक्सेसफुली बना था। लास्ट वाला प्लेन रहता है क्लेन एंड मेडिसन का, वो उन्हें सीधे लैब के यहाँ पे उतारता है और काफी दिक्कतों के बाद वो सारी दिक्कत पार करने के बाद जब वे लोग लैब में पहुंचते हैं तब उनको इंसान के रूप में कई सारे अरात्रे वहाँ पे दिखते हैं जो कंटेनर में लॉक थे। दरअसल इनकी कंडेंसेट्स की जो प्रोसेस है वो चल रही थी। वहीं पे आगे उन्हें एक एक्सरे मशीन भी दिखती है। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये मशीन इंसानों को मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनका कंडेंसेट्स फॉर्म बना रही थी, यानी इन अ वे एक क्लोन बना रही थी। वहां से आगे उन्हें एक और लैब दिखती है, वहां पे पता चलता है दोस्तों अरात्रे के कई सारे कंटेनर्स थे, कुछ इंसानों वाले फॉर्म में भी अभी भी थे जो फुल्ली रेडी थे बाहर आने के लिए। और वहीं पे इनकी मेन सेंट्रलाइज मशीन थी। वैसे यहाँ दूसरी जगह पे जो भी बाहर सोल्जर्स लड़ रहे थे उनके ऊपर अरात्रे बहुत ही भारी पड़ जाते हैं और इनके कई सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो दूसरी जगह पे यहाँ मेडिसिन को उनकी वो जो सेंट्रलाइज मशीन रहती है वो भी दिखाई देती है। वो पढ़ने की कोशिश करती है और इस पूरे मशीन को डिस्कनेक्ट करने का प्रोसीजर शुरू करती है और काफी मुश्किल के बाद क्लेन जो है वो मशीन के 16 प्लग्स निकालता है। लेकिन इसके बावजूद सामने के कंटेनर में जो भी अरात्रे थे वो अभी भी जिंदा थे। तभी दोस्तों बाहर इतना बड़ा
बड़ा विस्फोट होता है कि ये सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और सारे अरात्रे आके अब इन दोनों के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी मेडिसिन को याद आता है कि इन प्लग्स के बीच में बहुत बड़ा हैंडल है, वो खींचना है, और क्लेन उसे खींच के नीचे सीधा गिर जाता है। जैसे ही उसे डिस्कनेक्ट करता है दोस्तों, ये सारे अरात्रे जो रहते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, पूरा इनका विस्फोट हो जाता है। बाहर भी हम देखते हैं शांत हो जाता है माहौल। ये लोग जब लैब से ऊपर जाने वाले थे तभी इनको वापस कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है। अंदर यहाँ पे इंसानों के ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है उसी को जिंदा रखा जाता था ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव क्लोन के साथ कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे इनके दिमाग और नर्व सिस्टम के कारण ही अरात्रि जिंदा थे। और मॉनिटर पे दोस्तों हम उस इंसान का डेटा देख रहे थे जिस पे हमें सारे डाउट क्लियर होते हैं कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। पहले तो इंसानों को इस लैब में लाया जाता है, फिर उनको मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनके कंडेंसेट्स फॉर्म में क्लोन बनाए जाते हैं। यहाँ पे इंसानों को कंडेंसेट्स फॉर्म में नहीं डाल सकते क्योंकि इतने निगेटिव सेल्सियस के टेम्परेचर में इंसान तो फ्रीज होके मर जाएंगे, इसीलिए उनके क्लोन बनाए जाते हैं। तो एक साइड पे उस क्लोन को और दूसरे साइड पे जो उस इंसान का ब्रेन और नर्व सिस्टम है उसे एक सेंट्रलाइज मशीन से कनेक्ट किया जाता है ताकि जो भी क्लोन का फॉर्म है वो जिंदा रह सके। और जो इंसान का दिमाग और जो नर्व सिस्टम था वो उस क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक प्रोग्राम था कि इन सारे क्लोन्स को एज अ वेपन की तरह यूज करने का, इसीलिए अरात्रे जो भी सामने दिख रहा है उसे सीधा टच करके मार डालते थे। और दोस्तों इसी तरह अरात्रे सारे इंसानों को मार रहे थे क्योंकि वो दरअसल एक वेपन था। जो भी पहले की गवर्नमेंट थी ऐसे प्रोग्राम के लिए फंडिंग की जो एक डेडली वेपन बना सके। लेकिन तभी इसी बीच में लैब में कुछ ऑपरेशंस गलत हो जाते हैं जिसके कारण ये जो अरात्रे रहते हैं वो अपने कंटेनर से रिलीज होके शहर में पूरी तबाही मचा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी बेचारे इंसान थे, यानी उनके जो दिमाग और पूरे न्यूरल सिस्टम थे, ये इंसान ना तो जिंदा थे ना मर गए थे, इसीलिए क्लेन उन मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है और इसी तरह ये जो स्पिरिट है या अदृश्य शक्ति है उसका खुलासा होता है।